सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमस्टर कॉम्बोर्ड के विड्रॉल के बारे में कि जो हमारे हैमस्टर कॉम्बोर्ड के टोकन होंगे उन्हें कैसे विड्रॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम हैमस्टर कॉम्बोर्ड में लॉगिन करेंगे एंड यहाँ पे हम फिर एयर ड्रॉप वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में यहाँ पे आप विड्रॉल पे जाके देखोगे कई सारे एक्सचेंज यहाँ पे दिखा रहा है कि हम अपना किस एक्सचेंज के हिसाब से विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक वैलेट इन टेलीग्राम है जो कि एक टेलीग्राम में वैलेट भी होता है, हम चाहें तो उसमें विड्रॉल कर सकते हैं। तो उसमें हमारा लाइट KYC लगेगी, तो हम अपना करेंगे बिनेंस में। तो अभी हम अपना बिनेंस का जिसका अकाउंट बना हुआ है तो वो अपना यस आई हैव इट, और जिसका नहीं बना हुआ तो वो क्रिएट कर सकता है। तो अभी यहाँ पे हमारा बिनेंस का जो है, तो यहाँ पे अभी हम एक बिनेंस में अपना ओपन करेंगे अगर, तो वहाँ से हमें डिपॉजिट एड्रेस चाहिए होगा और साथ ही साथ मेमो भी चाहिए होगा। ये दोनों बहुत ही कंपलसरी हैं, इसके बगैर अगर हम दोनों मेमो अगर साथ में नहीं डालते हैं, अगर डिपॉजिट एड्रेस डालते हैं तो हमारे टोन कॉइन, हाँ यानी कि जो हमारा टोकन है ये हमारा लॉस्ट हो सकता है या फिर नहीं मिलेगा। तभी हम चलते हैं बिनेंस में और ये बताता हूँ कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम आएँगे वैलेट वाले सेक्शन पर एंड उसके बाद हम आएँगे यहाँ पर डिपॉजिट पर। तो ये जो हमारा डिपॉजिट सेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे एंड ऊपर सर्च कॉइन में जहाँ लिख के दे रहा है वहाँ पर हम हैमस्टर सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हैमस्टर जो पहले से सर्च कर रखा था, तो यहाँ पे अभी देख रहे हो आप लिख के आ रहा होगा टोन कॉइन कंजेस्टेड। अभी ये थोड़ी देर पहले ही 3-4 घंटे से सस्पेंडेड दिखा रहा था, वो रीज़न ये था क्योंकि बिनेंस पे हैवी लोड हो गया था एंड उसकी वजह से इन्होंने हैमस्टर को सस्पेंड कर दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेंटेनेंस का वर्क चल रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे जो हमारा ये रहा डिपॉजिट एड्रेस एंड ये रहा हमारा नीचे मेमो, तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस कॉपी करेंगे एंड इसे लाके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे हैमस्टर कॉम्बोर्ड में एंड यहाँ पे उसके बाद में हम आएंगे वापस अपना मेमो यहाँ से कॉपी करेंगे एंड उसके बाद में अपना मेमो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। एंड मेमो पेस्ट करने के बाद में हमारा यहाँ पे जो है एड्रेस और ये मेमो दोनों चीज़ मैंने इसमें अपना कॉपी कर लिया है एंड यहाँ पे मैं अपना सेव एंड चूज कर दूंगा। एंड सुबह क्या हुआ था, बहुत से लोग इसे सेव कर रहे थे तो रिक्वेस्ट में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो तुरंत ही अपडेट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट है वो बिनेंस को सेंड कर दी गई है एंड उसके बाद में हम आते हैं बैक। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे इसने टिक का ऑप्शन दे दिया है, मतलब यहाँ से हमारा ये बिनेंस एक्सचेंज के साथ वो हमारा सेव हो गया है एंड यहाँ पे हम KYC नीडेड जो लिख के दे रहा है, तो हमारा बिनेंस में KYC होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो मेरा खैर KYC वेरीफाइड अकाउंट है एंड आप लोग भी जाके अपना एड्रेस इसमें सेव कर सकते हो, अपना बिनेंस एक्सचेंज पे इसे रजिस्टर कर सकते हो। एंड यहाँ पे अभी देखा जाए तो सस्पेंडेड वाली प्रॉब्लम का सलूशन हो चुका है एंड ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।